तेरे साथ कोई बात हुई होगी उसकी? मैं बात करूंगा तो बात होगी ना, जब मैंने मना किया था आपके सामने फिर ना कर, कॉल क्यों ना करूं? मैंने नहीं उसे बुलाना, मेरी बात सुन, ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, छोड़ पागल पड़ा नहीं करते। तो आपने जाने क्यों दिया मेरी मर्जी के बगैर उसे? आज ही की मेरे गोड़े पे लगी मग्गी। बात सुन, कोई बात नहीं, लड़ाई हमने लाजमी बढ़ानी थी, जाने दफा ही कोई बात नहीं होती। नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हिरा मजीद, मेरा यूट्यूब चैनल अवेली कुड़ी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खराफिस होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हें प्यार से दुआ के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, तो ठीक है आपने वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं करना। ब्लॉग ऐसे है कि हम ना जुनेद भाई अभी आए काम पे से, तो उनके साथ करने वाले हैं बहुत ही तगड़ा सा प्रैंक। ठीक है, तो प्रैंक किस तरह से करना है आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। जुनेद भाई को आप जब साथ संवार पर लेके जाएंगे। पानी? अच्छा पिलाती हूँ, ला रही हूँ। हाँ मैं दे रही हूँ। तुम क्यों ले गई पानी? वो किधर? कौन भाऊ? हाँ। वो अपनी अपने मायके की मम्मा खड़ा ना। क्यों? उसकी अम्मी आई थी, उसको ले गई, कहने की भेज दो। तो फिर मैंने क्या करती, वो बहुत ज्यादा बोल रही थी, कह रही उसके भाई ने जाना है, इस वजह से फिर मैंने भेज दिया उसको। मैं कहती रही जुनेद आ जाएगा शाम को, कह रहा था कि अभी मैं लेके ले आऊंगा, कहने लगी नहीं मैंने अभी लेके जाना, अभी लेके जाना। फिर मैं क्या करती, मुझे मजबूरन भेजना पड़ा। जब मैंने मना किया हुआ था कभी नहीं भेजना, फिर बात यह भाई लड़ाई झगड़ा लाजमी बढ़ाना, बेहतर नहीं किया अभी भेज दिया उसको मैंने। मेरे से पूछना भी गवारा नहीं किया? नहीं, मैं पूछती क्या, मैंने कहा जुम्मे का दिन है, काम में लगा होगा इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। मैंने कहा चल कोई नहीं शाम को आएगा, अब तो इस तरह करना तू जाके उसको ले आ। 30 सेकंड मैं क्यों जाऊँ, मैंने तो नहीं जाना। अब मैं क्या करूँ, उसने मुझे कहा जबरदस्ती, कहती भाई उसके भाई ने जाना है बाहर, तो इस वजह से मैंने भेज दिया। मुझे ये कोई पता था तुम्हारी दोनों मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग हुई भी तुमने साथ लेके जाते थे, तो तुमने भी कॉल बताना नहीं मुझे गवारा की, वीडियो बनाने पे लगे हुए हो। ये वीडियो तो नहीं, वीडियो तो नहीं बना रही, मैंने तो वैसे ही मोबाइल पकड़ा है, व्लॉग एडिटिंग कर रही हूं मैं तो। हां जो दोपहर में बनाया था वो एडिटिंग कर रही हूं कल के लिए। मैंने तेरी सास को बहुत समझाया था, फिर मैंने बहू से भी कहा, कहने लगी तुम मुझे भेज दो, कहनी मैं उनसे बात कर लूंगी। सुबह थोड़ी सी तलाक कलामी की है मेरे साथ भी ना, थोड़ा सा ऊंचा सा बोली है। किस वजह से? बस वैसे बस तुझे पता है घर में हो जाती है कोई जब बात। मैंने कहा था कि उसे भेजना नहीं है तो फिर क्यों भेजा? मूड नहीं ठीक था, अभी बातें बढ़ा रही हैं। वो उसका भी मूड खराब हुआ था, ऊपर से फिर उसकी अम्मी आ गई, मैंने कहा चल जाने दे कोई नहीं। वो बेवकूफ है, उसे पता नहीं है इस बात का कि मैंने मना किया है। वो मुझे कह के गई है कि मम्मा आप मुझे जाने दो, मैं ना हम आपस में एडजस्ट कर लेंगे, कह लेंगे मैं कर लूंगी उनसे। किसके साथ आपस में एडजस्ट करेगी? तेरे साथ कोई बात हुई होगी उसकी? मैं बात करूंगा तो बात होगी ना, जब मैंने मना किया था आपके सामने फिर क्यों जाने दिया आपने? तूने क्यों जाने दिया उसे? ये बेचारी क्या करती छोटी, मैंने रोकना उसे, अपनी मर्जी से जाएगी। क्यों लड़ाई हुई तेरे से? क्यों बोली? नहीं वैसे ही इसने नाश्ते का कहा था, वैसे मैंने कहा था नाश्ता कर ले तो नाराज होगी, मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ते को। जरा गुस्सा था तो भाई नहीं नाश्ता करा, चलो थोड़ी देर बात कर लेती, नाश्ता ही ऐसे ही बोलने लगी। बड़ी तो फिर उसी टाइम कह रही मेरे भाई को फोन कर दो, आ जूंगी मैं शाम को, आ जूंगी कल आ जूंगी। कोई जरूरत नहीं है, फोन ना कर देगी, कोई बात नहीं। तो आपने जाने क्यों दिया मेरी मर्जी के बगैर उसे? आज ही की मेरे गोड़े पे लगी मग्गी। बात सुन, कोई बात नहीं, लड़ाई हमने लाजमी बढ़ानी थी, जाने दफा ही कोई बात नहीं होती। नहीं बुरी बात है, इस तरह थोड़ी करते हैं, वो जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, चला आ जाएगी, कोई नहीं चलो बच्ची है। वो तो मुझे पता है कि आ जाएगी, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आएगी। आज ही से समझाना, देख कितना गुस्सा कर रहा है, इस तरह गुस्सा थोड़ी करना चाहिए। नहीं मैं नहीं, मैं कॉल कर रहा हूँ उसे। नहीं कॉल ना कर, कॉल क्यों ना करूँ? मैंने नहीं उसे बुलाना, बस सुन, ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, छोड़ पागल पड़ा नहीं करते। मैं कॉल कर रहा हूँ, छोड़ तो सही, कॉल ना कर। मैं कॉल कर रहा हूँ उसे घर के भी यहाँ पे आने की। किस बात पे कॉल करनी, जब उसे नहीं शर्म आई जाते हुए? उतनी यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाएगी वो? मेरे से पूछे बगैर गई क्यों वो? चला आ जाएगी, वो कौन सा पक्की पक्की चलेगी, हमेशा के लिए आ ही जाएगी। तू वीडियो बना रही है, वीडियो क्या कर? मैं एडिटिंग ना करूँ, कल डालनी नहीं मैंने वीडियो। वीडियो नहीं बना रही, वीडियो बना के हमने क्या आपस की घर की लड़ाई बाहर डालेंगे, उस पे दुनिया को दिखानी हमने कोई घर की लड़ाई, बाकी हमारे घर में क्या हो रहा है? क्यों नहीं उस टाइम क्यों जा रही है? दिमाग से काम लेते हैं, कोई नहीं आ जाएगी, बुरी बात है। काफी दिन से गई भी तो रही थी ना, से काम लूं। अच्छा बताओ कोई बात नहीं, अगर वो एक दफा तेरे से नहीं पूछ के गई तो कोई बात नहीं, हर दफा तो पूछ के जाती है ना,
तो जब मैंने मना जो कर दिया था कि नहीं जाना, आपको पता तो है मैं नहीं बोलता उनसे, तो फिर क्यों जाने दिया आपने? कोई बात नहीं, ससुराल वालों से कोई लड़ाई, जैसे हम माँ बाप है वैसे वो माँ बाप है। माँ बाप से मिलने जाए ना, उससे क्यों मिलने जा रही है? उससे थोड़ी गई है, माँ बाप से ही मिलने गई है वो। उससे किसे मिलने गई? माँ बाप से मिलने गई है। कब जाएगा पता नहीं, उसके साथ चली जाए। खैर जब मेरी बात सुन, फोन नहीं करते, एकदम से पागल नहीं बना करते। रुको जरा, सबर करो, छोड़ दो ऐसे। है दिनेश पागल हो गया, ये कहां से आ गई? ये काई काई तो पार ऐसे थे मेरे गोड्डे पे जो मग्गी मारी जा रहे, मग्गो मग्गी हो जाओ, गोड्डे गोड्डी हो जाओ। मैंने भी नहीं मुझे बताया, तू भी इनके साथ मिली हुई थी? नहीं पापा, मेकअप देखो, ये मेकअप करके आई बेगम। तू देर से बैठी हुई, तू खामोश होके सुन रही थी जो जो आपने बोला। तो सुन रही थी तो वहां से आ नहीं सकती पहले ही? नहीं, ये मीटिंग थी हमारी। अरे ना रे भाई, ना कॉल करियो, वो मीटिंग। अरे भाई ना रे भाई, लड़ाई मेरे गोड्डे पे मग्गी मार दी इतनी जोर से, लड़ाई आपके शौहर ने मेरे गोड्डे पे मग्गी मार दी टिकाड़ के। टिकाड़ के? हाँ जी, टिका के। यस, एक्टिंग में तो बहुत माहिर हो। वाह क्या सीन है, ये एक्टिंग नहीं करी, थोड़ा सा फनी माहौल भी तो होना चाहिए ना घर का। अच्छा हाँ। तो हमने सोचा कि जुनेद भाई को ना आज तपाते हैं थोड़ा सा। तपा लिया तुमने? बस नहीं नहीं, जब आए ना बाहर से, तो जब मैं नीचे था ना तभी मैंने सुन लिया था कि फोन पे ना अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि हाँ हमने मिलना है या पता नहीं कहीं जाना था, इन्होंने प्लान बनाया हुआ था। मैंने कहा प्लान पे जरा पानी तो फेरे। वो कहते हैं कि बस हम पहुंच गए, फौरन से नीचे आओ, उनकी दो दफा कॉल आई है, पहले वो कर दिया। मेरा झाड़ू फेर दी प्लान पे। क्यों, कौन थी? प्रैंक बनाना चाहिए। कोई भी नहीं थी। कोई भी नहीं थी। क्या अपने व्यूअर्स से पूछो कि हमें ऐसी फनी वीडियो बनानी चाहिए? जी व्यूअर्स, आप लोगों का आज का हमारा प्रैंक कैसा लगा? हमें प्रैंक वीडियोस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मैंने पहले ही सुन लिया था कि ना इनका प्लान बन गया नीचे नीचे, तो फिर मैंने मम्मा को आके बताया, तो फौरन से मैंने अपना दिमाग जोड़ा, मैंने कहा व्लॉग बनाते हैं और इनके साथ प्रैंक करते हैं, ताकि इनके प्लान पे हम हारपिक डाल के झाड़ू मारे अच्छे तरीके से। ताना कैसे? एक तो फ्रेंड जैसे होते ना, पता नहीं शर्म ही नहीं आती। जुम्मे वाले दिन पता भी है कि एक जुम्मे का दिन होता है छुट्टी का, जो अपनी फैमिली के साथ गुजारा जाता है, संडे का या जुम्मे का दिन गुजारा जाता है, उसमें भी ये फ्रेंड्स नखते आके टपक जाते हैं, टोटे पहने। तो हस्बैंड वाइफ को ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, छुट्टी होती है, मियां बीवी को गुजारना चाहिए ना इकट्ठे टाइम गुजारना चाहिए। कभी पिज्जा खिलाने ले जाता है, कभी क्या करते हैं उसे गोलगप्पे खिलाने ले गया, कभी चाट, कभी सारे। पापा ने आपको कितनी दफा गोलगप्पे और पिज्जा खिलाया? बहुत है, आशी कराई। पिज्जा खिलाया? तू झूठ बोले। हाँ झूठ बोल, 30-35 साल पहले पिज्जा होते थे? नहीं अब खिलाया ना, जब नहीं खिलाया तो क्या अब खिला लिया? हाँ इसको भी जाना चाहिए, इसके दोस्त ही नहीं इसकी जान छोड़ते। वो देखो बंद कर दो बस। अच्छा अच्छा, तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बड़े भी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।